बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज तक ईरान, इसराइल, अमेरिका के बहुत सारे बयानात आते रहे एक दूसरे पर लड़ाइयों के, हमले के, लेकिन जो अब की सूरत हाल है ये आप समझ लें तारीख में इतनी ज़्यादा भयानक सूरत हाल कभी भी नहीं थी और ना ही शायद हो पाएगी। आने वाला वक्त बहुत ख़तरनाक होने जा रहा है। ईरान के जो नए आर्मी चीफ आए हैं इस्माइल गनी, उन्होंने जो पैगाम दिया उसके बाद कोई कसर बाकी नहीं रह जाती कि यहाँ पर लड़ाई ना हो और कोई बड़ी जंग ना हो। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उन्होंने कहा है कि हम सबको बता देना चाहते हैं, इंतज़ार करें और देखें, अमेरिकन्स की पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर लाशें आपको नज़र आएंगी और इतनी लाशें नज़र आएंगी कि पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा मैसेज चला जाएगा कि हमने अमेरिकन्स को क्या जवाब दिया है। ये किसी आम शख्स ने बात नहीं की, ये ना तो हकीकत टीवी की बात है ना किसी और की बात है, ये एक उस आर्मी चीफ की बात है जिसके मुल्क के अंदर हाल ही के अंदर इस एक आर्मी चीफ को मारा गया। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि एक रेड झंडा लहरा दिया गया है जमकरन मॉस्क जो कूम की है, और एक सिंबल दे दिया गया है कि हम जंग के लिए तैयार हैं और पूरी तरह बदला लेने के लिए आ रहे हैं। अब सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है कि अमेरिका ने इस वक्त कतर से राबता किया, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा अगर ईरान के कोई करीब है तो या तो वो तुर्की है या कतर है, और तुर्की के साथ तो अमेरिका के ताल्लुकात ऐसे नहीं है कि वो बातचीत कर सके, ना किसी अरब ममालिक के, ना पाकिस्तान के, इवन इंडिया के भी नहीं है। अगर किसी के करीब ताल्लुकात हैं तो वो है कतर, और कतर के ताल्लुकात इसलिए करीब है क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस इस वक्त कतर में है। कतर के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और दूसरे तमाम करता धरता, उनके थ्रू पैगाम जा रहा है ईरान को कि अगर आप इस सारी सूरत हाल में जंग और तमाम चीज़ों को छोड़ देते हैं तो आप पर पूरी पाबंदी हटा ली जाती है, यानी जितनी भी पाबंदियाँ लगी हैं अब ओपनली अपना तेल बेच लें, तिजारत कर लें, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जंग की तरफ ना आए। ईरान से खबरें ये भी आ रही हैं कि उनको पैगाम दिया जा रहा है कि अगर आप इस सारी सूरत हाल में पीछे हट जाते हैं तो आपको एड भी दी जाएगी, पैसा भी दिया जाएगा, आपकी इकोनॉमी बेहतर की जाएगी, लेकिन ईरान इस वक्त मानने के मूड में नहीं है। देखिए, जो इनके आर्मी चीफ ने बयान दिया है इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि सऊदी अरब से लेकर कतर से लेकर जितने भी तमाम ममालिक हैं इनके जो मिलिट्री बेसिस हैं उन पर हमले होने जा रहे हैं, और ये वो जंग है जो एक दफ़ा चिंगारी इसकी लग गई तो फिर ये कयामत तक शायद बुझ ना पाए, जब तक ज़माना आखिरत की आदीस जो है वो मुकम्मल ना हो पाए, जिसमें आखिरी जो लड़ाई होगी वो दज्जाल के खिलाफ होगी। क्योंकि आप देख लें, एक चीज़ ख़तरनाक है, अगर आप किसी भी अरब कंट्री के अंदर अमरीकी बेसिस पर हमला करते हैं तो जाहिर सी बात है वो मुल्क तो आपके खिलाफ जवाब देगा, अमरीका तो जवाब देगा, वो मुल्क भी देगा, और उस सारी सूरत हाल में अमेरिका और इसराइल की खेल की प्लानिंग जो है वो बड़ी ख़तरनाक है कि वो वहाँ के किसी अरब लीडर को मरवा दें, खुद ही मार दें और नाम वो लगा दें ईरान पर, जिसके बाद आप इस सारी सूरत हाल में चीज़ें देखेंगे हद से ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। अब आने वाले वक्तों के अंदर ईरान के अंदर मज़ीद हमले अमरीका करने की तैयारी कर रहा है, और ये ईरान का जो जवाब है वो मुख्तलिफ जगहों से आ सकता है। वो अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान के साथ हाथ मिलाकर हिट कर सकते हैं, वो उस सारी सूरत हाल के अंदर शाम में जा सकते हैं, किसी और कंट्री में जा सकते हैं, और इवन के अब वो शायद परवाह नहीं करेंगे कि वो सऊदी अरब को ब्रीच कर दें जाकर उसकी एयर स्पेस को, वो वहाँ पर चले जाएं, या वो कतर चले जाएं, यूएई चले जाएं, यानी किसी भी जगह वो जा सकते हैं। और याद रहे, ये आइडियल सिचुएशन है सिर्फ और सिर्फ इसराइल के लिए, क्योंकि इसके बाद शायद वापसी ना हो मुसलमानों की, और जो इलाके इस वक्त मुसलमानों के हाथों में है अगर ये जंग बड़ी जंग में तब्दील हो जाती है, ज़माने आखरत के हवाले से जो आदीस है ये इतनी बड़ी खून रेजी जंग हो जाएगी, इतनी ज़्यादा खून रेजी जंग में तब्दील हो जाएगी कि आदीस में अल्फाज हैं कि पहले फारिस तबाह होंगे, फिर अरब तबाह होंगे, और फिर अरबों की तबाही के हवाले से तो यहाँ तक आ गया है कि एक परिंदा उड़ता हुआ जाएगा, उड़ता हुआ जाएगा, और इतना उड़ता जाएगा कि नीचे वो देखेगा कि लाशें लाशें होंगी, और वो नफासत परस्त परिंदा होगा और थक हार कर वो गिरेगा तो लाश भी पर गिरेगा, इतनी ज़्यादा नीचे लाशें होंगी। अब आने वाले वक्तों में सूरत हाल टोटली आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। एक भी हमला अगर कर दिया ईरान ने किसी मिडिल ईस्ट के मुल्क की एयरबेस जो कि अमरीका की है, तो फिर उसके बाद अब भूल जाए कि इस रुए ज़मीन पर, इस खत्ते में कभी अमन होगा। याद रहे, जंग अजीम एक और दो में करोड़ों लोग मरे हैं, और अगर ये जंग अजीम तीन में कन्वर्ट होती है
تو زمانہ آخرت کی ان احادیث کے مطابق اتنی لاشیں گریں گی کہ شاید کوئی کنٹرول نہ کر پائے۔ دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔